राम राम जी, मैं आपका दोस्त निखिल गुज्जर स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है गुज्जर दी ग्रेट। दोस्तों, आज की जो वीडियो का टॉपिक है वो है कि जीरो के लिखित प्रमाण कहाँ से मिले। दोस्तों, अगर मैं आप सभी से पूछूँ कि जीरो की खोज किसने की तो आप आराम से बता दोगे कि आर्यभट्ट ने। लेकिन किसी को पता है कि पहली बार जीरो के लिखित प्रमाण कहाँ मिले? आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जीरो के लिखित प्रमाण को लेके। तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, आपने यह गाना जरूर सुना होगा, जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। हाँ जी, मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक छोटा सा मंदिर है। 9वीं शताब्दी गुर्जर प्रतिहार राजा द्वारा निर्मित इस चतुर्भुज मंदिर में शून्य का सबसे शुरुआती शिलालेख पर उकेरा हुआ जीरो का प्रमाण मौजूद है। इस मंदिर को दुनिया में टेंपल ऑफ जीरो के नाम से भी पहचाना जाता है। वो अलग बात है कि आपको मध्य प्रदेश टूरिज्म के बेहतरीन विज्ञापनों में इसका जिक्र नहीं मिलेगा। भगवान विष्णु को समर्पित यह मंदिर किले की ठोस चट्टान को तराशकर बनाया गया है, जो चतुर्भुज मंदिर के नाम से जाना जाता है। मंदिर की वास्तु योजना में सिरक युक्त एक चौकोर गर्भगृह तथा उसके सामने स्तंभों पर आधारित एक मुख मंडप है। इसके शिखर का ऊपरी भाग ग्रस्त हो गया था, जिसे सादे पत्थर से पुनर्निर्मित करके संरक्षित किया गया। इस मंदिर की जंघा भाग में उत्कृष्ट मूर्ति शिल्प के नमूने देखे जा सकते हैं। इन मूर्तियों में मुख्य रूप से गणेश, कार्तिकेय, पार्वती, नवग्रह, विष्णु, त्रिविक्रम एवं अष्टदीपालों के अंकन प्रमुख रूप से उल्लेख्य हैं। मंदिर के मुख मंडप के आंतरिक भाग में ऊपर की ओर कृष्ण लीला से संबंधित विभिन्न दृश्य को उकेरा गया है। मंदिर के गर्भगृह में विद्यमान अभिलेख में शून्य का अंकन संख्या के रूप में संबद्ध इस क्षेत्र में पहली बार किया गया है। इस मंदिर को 876 में गुर्जर प्रतिहार शासक भोजदेव के शासनकाल में उत्खनित किया गया था। इस शिलालेख में लिखा है कि पूजा के लिए फूलों की 50 मालाएं प्रतिदिन चढ़ाए जाने के लिए मंदिर के पुजारी को 270x187 हाथ जमीन दी जाती है। इस लेख में दो जगह शून्य का प्रयोग किया गया है। पुरातत्व वैज्ञानिक और गणितज्ञ मानते हैं कि आविष्कार के बाद जीरो का यह सबसे पुराना लिखित प्रयोग है। गणितज्ञों के मुताबिक भारत ने ही दुनिया को अंकों का उपयोग सिखाया। जैसे 270 या 50 में किसी स्थान पर जीरो को रखा जाना है। बाइनरी व दशमलव नंबर सिस्टम भारत के अलावा बेबीलोन और चीन के लोग ही जान पाए थे, वो भी भारत के बाद। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, जिससे कि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम मिलता रहे। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय गुर्जर समाज।